इससे पहले रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा सस्ते में निपटे, खाता तक नहीं खोल पाए थे सहा, अश्विन ने भी बनाए 12 रन। और सिडनी टेस्ट मैच में हावी ऑस्ट्रेलिया, 4 विकेट के नुकसान पर 479 रन। उस्मान ख्वाजा ने 171 रन बनाए, शतक से चूके स्मिथ। शॉन मार्श 98 रनों पर खेल रहे हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। इस वक्त भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 90 रनों का फासला है। ये फासला कहने को तो 90 रन का है, लेकिन बहुत ज्यादा हो सकता था, 200 रन का भी हो सकता था। लेकिन आज अगर भारत इस मैच में बना हुआ है तो उसका श्रेय जाता है हार्दिक पांड्या को और उनकी भुवनेश्वर कुमार के साथ जो साझेदारी हुई है। फिलहाल कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल सी सिचुएशन से भारत निकला है। 92 रनों पर 7 विकेटें गिर गई थी, 92 रनों पर भारत की 7 विकेटें गिर गई थी और लगा कि बहुत बड़ी हार की तरफ भारत बढ़ रहा है, क्योंकि दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। उसके बाद भुवनेश्वर और हार्दिक पांड्या ने 99 रनों की 8वीं विकेट की साझेदारी, तेज रन बनाए और काउंटर अटैक किया। अभी अभी कुछ देर पहले भुवनेश्वर 25 रन बनाकर आउट तो हो गए, लेकिन हार्दिक पांड्या 90 रनों पर खेल रहे हैं, 90 रनों पर वो खेल रहे हैं। रन बॉल 90 रन है ये, और इतना काउंटर अटैक इन दोनों ने किया कि साउथ अफ्रीका जो है वो बैकफुट पर आ गया। एक एक रन भारत ने चुराया है, दोनों ने मिलकर चौके भी मारे। और जैसे जैसे साउथ अफ्रीका और भारत की पहली पारी का फासला कम होता रहेगा, भारत मैच में बना रहेगा। ठीक इसी तरह का आलम साउथ अफ्रीका की पहली पारी थी, आपको याद होगा 12 रनों पर 3 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद साझेदारियां होती रही, 286 रन उन्होंने बनाए। कल रात 28 रनों पर 3 विकेटें गिर चुकी थी भारत की, कमर पीठ सब टूट चुका था। पहले सेशन में रोहित और पुजारा ने 90 मिनट संभल कर शुरुआत की, फिर रोहित शर्मा आउट हो गए। खैर लंच तक आउट एक ही हुआ था। उसके बाद अगले सेशन में विकेट भी गिरी, रन भी बने, भारत ने 100 से ज्यादा रन बना दिए टी तक, और इसका श्रेय जाता है भुवनेश्वर और हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या फिलहाल शतक के करीब पहुंच चुके हैं, और मैं उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने ये कहा था कि शायद हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका में नहीं चल सकती, उनको खिलाने का फैसला सही नहीं था। लेकिन वो शतक से फिलहाल सिर्फ 8 रन दूर है। मदन जी है, निखिल चोपड़ा है, और इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, मुझे लगता है कि वो अंग्रेजी में कहते ना, यू ईट योर ओन वर्ड्स। मैंने तो ये सोचा था कि हार्दिक पांड्या नहीं, मैंने कहा था 6 बल्लेबाज खिलाने चाहिए, तो जो अपने लव्स हैं, आई ईट माय वर्ड्स, मैं खा लेता हूं। नहीं नहीं, मैंने गलत एस्टिमेट किया था, और हार्दिक पांड्या ने भुवनेश्वर ने ऐसी साझेदारी की है कि अब भारत इस मैच को बचाने के बारे में सोच सकता है, और कोई बड़ी मिरेकल हो जाए तो जीतने के बारे में भी सोच सकता है। कम से कम ये नहीं है जो सवा दिन पर लग रहा था कि भारत तो गया। अगर भारत इस टेस्ट मैच में, इस सीरीज में वापस आता है तो ये 93 रन और उनकी 99 रनों की साझेदारी का बहुत अहम योगदान होगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भुवनेश्वर के आउट होने के बाद अनसेटल हो गए थे, क्योंकि जिस शॉट पर भी आउट हुए 100 रन से 7 रन दूर थे। खैर इसी तरह खेल के उन्होंने अपनी किस्मत, कहते ना यू राइड योर ओन लक, इनको आउट दे दिया गया। उसके बाद रेफरल हुआ, फिर इनका एक कैच छूटा 15 रनों पर, लेकिन चलाते रहे, और फिर अच्छी बात यह थी कि साउथ अफ्रीका भी थकता रहा। और यह भी खबर है कि डेल स्टेन बाहर जा चुके हैं, डेल स्टेन जो है वो लंगड़ाते हुए बाहर गए हैं। अगर ये टेस्ट मैच लंबा जाता है, डेल स्टेन अगर फिट नहीं होते हैं तो साउथ अफ्रीका को ये बड़ा झटका है। हालांकि अभी भी भारत दूर है, काफी पीछे है अभी। मेरे ख्याल में जिस तरीके से अब तक टेस्ट मैच चला है, नई बॉल विक्रांत भाई 35-40 ओवर जब भी भारत गेंदबाजी करने आएगा तो वो 35-40 ओवर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे भुवनेश्वर कुमार के, आज शाम को अगर होते हैं। जिस तरीके से एक लाइफलाइन की हम बात करते हैं, हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, अगर वो साझेदारी भुवनेश्वर और हार्दिक पांड्या की थोड़ी और चलती, जो रन्स का डेफिसिट है थोड़ा कम होता चला जाता है, ये ना लालच तो है, लेकिन 80 रन भी कम नहीं है। अब 80 रन का मतलब ये है कि वो नया गेंद जब हाथ में आएगा, भारतीय टीम जब भी गेंदबाजी करने आएगी, जिस तरीके से पहली इनिंग में शुरुआत हुई थी, 3 विकेटें चटकाई 12 रन, उसके बाद जो साझेदारी हुई वो गलती दोहरानी नहीं है। आपको दबाव बना के रखना है कि एक